गाइज हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का कभी ना कभी यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि तुम्हारे इस नुकसान में उसका कोई हाथ नहीं है, इस मामले में सरकार का कोई हाथ नहीं है, इस दुर्घटना में हमारा कोई हाथ नहीं है, इस झगड़े में उसका कोई हाथ नहीं है। गाइज इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है? गाइज अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको पहले लिख देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज हैव हैड, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है नो इन्वॉल्वमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट के बाद आपको यूज़ कर देनी है ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदरवाइज। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हैज हैव आप प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे और हैड आप पास्ट के लिए यूज़ करेंगे, हैज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास यूज़ करेंगे, हैव आप फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के पास यूज़ करेंगे। क्लियर गाइस? चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस दुर्घटना में हमारा कोई हाथ नहीं है, वी हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस एक्सीडेंट, वी हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस एक्सीडेंट। इस मामले में सरकार का कोई हाथ नहीं है, द गवर्नमेंट हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस इशू, द गवर्नमेंट हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस इशू। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। इस झगड़े में उसका कोई हाथ नहीं है, ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस क्वारल, ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस क्वारल। तुम्हारे इस नुकसान में उसका कोई हाथ नहीं है, ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन योर लॉस, ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन योर लॉस।